जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं। अभी तक आप सभी मित्रों ने प्रैक्टिस सेट 14 तक का अध्ययन कर लिया है, यानी दोस्तों आज प्रैक्टिस सेट नंबर कौन सा होगा? 15। प्रैक्टिस सेट पंद्रह 15 दोस्तों ध्यान से देखिएगा, डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथमेटिक्स का जितना भी सिलेबस है सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों को प्रोवाइड किया गया है। अभी तक यदि आपने डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का पूरा सिलेबस नहीं देखा है और यदि आप चाहते हैं कि डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथ्स का पूरा सिलेबस चैप्टर वाइज आप सिलेबस देख पाए तो दोस्तों मैंने उसके लिए प्लेलिस्ट बनाई जिसका नाम है डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथ्स 2022। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो सारे वीडियो चैप्टर वाइज सीरियल से आप देख पाएंगे। और दोस्तों मैं सभी वीडियो जो मैंने आपको प्रोवाइड कराए हैं विधिवत से देखने के लिए उसका लिंक, इसका प्लेलिस्ट का लिंक दोस्तों मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, आप आसानी से वहां से भी दे सकते हैं। ठीक दोस्तों, आप सभी भाई बंधु यदि चाहते हैं कि प्रैक्टिस सेट भी सीरियल वाइज देख पाए तो दोस्तों मैंने उसके लिए भी प्लेलिस्ट बनाई है जिसका नाम है डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथ्स प्रैक्टिस सेट एंड मॉडल पेपर 2023। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको सभी प्रैक्टिस सेट अभी तक जितने मैंने प्रोवाइड कराए हैं सीरियल से देख पाएंगे। दोस्तों यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए जिससे आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी मित्रों तक सबसे पहले पहुंच सके। और दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, वहां से भी आप सभी मित्रों के पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच पाएगा। यदि आपके कोई प्रश्न है डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के से संबंधित, मैंने जो आपको कराया है, या कहीं कोई डाउट है तो आप अपने प्रश्नों को क्या उसकी फोटो खींचकर आप टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर सकते हैं दोस्तों, या आप कोई छोटा प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स पर टाइप कर भी सकते हैं। ठीक दोस्तों, चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। कौन सा दोस्तों? प्रैक्टिस सेट नंबर 15 का पहला प्रश्न। बहुत अच्छी क्लास दोस्तों आज की रहने वाली है, यदि थोड़ा और हाई लेवल पूछने वाला है आपसे तो दोस्तों इस टाइप के प्रश्न पूछ सकता है। आज की क्लास में आप गुणनखंड के बारे में चर्चा करेंगे, गुणनखंड सीखेंगे, ठीक है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है दोस्तों आज की। ये थोड़ा सा हाई लेवल बढ़ाएगा, थोड़ा सा लेवल आप इंक्रीज और करेगा तो फिर इस टाइप के प्रश्न पूछ सकता है जो मैं आज की क्लास में कराऊंगा। ठीक दोस्तों, तो इनको अच्छे से सीख लीजिए, आपके बहुत काम आने वाले हैं। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न दोस्तों देखते हैं आज की क्लास का। एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 6 के गुणनखंड, के गुणनखंड कीजिए या ज्ञात कीजिए, के गुणनखंड कीजिए या ज्ञात कीजिए। दोस्तों ध्यान से देखा क्या कहा, एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 6 के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। दोस्तों फैक्टर कैसे करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6? यदि आपके पास द्विघात समीकरण हो, आपको पेपर में द्विघात समीकरण, ये कैसा है दोस्तों द्विघात कैसे बचानेंगे, इसमें चर क्या है, वेरिएबल क्या है, तो आप जानते हैं वेरिएबल क्या x है। यदि दोस्तों चर की मैक्सिमम पावर 2 है, जो भी इक्वेशन लिखी है उसमें चर की मैक्सिमम पावर दोस्तों 2 है तो वह द्विघात समीकरण कहलाता है। यहां पे दोस्तों देखिए चर की क्या, x की मैक्सिमम पावर 2, यहां तो x की पावर 1 है, न्यूनतम पावर 1 हो सकती है या 1 हो ना हो, लेकिन मैक्सिमम पावर 2 होनी चाहिए, अधिकतम पावर 2 यदि है तो वह समीकरण हमारा द्विघात समीकरण कहलाता है। द्विघात समीकरण जो का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, मानक रूप दोस्तों ये होता है क्या, ax2 प्लस bx प्लस c। x दोस्तों यहां पे चर है और a b c अचर राशियां, क्या a b c यहां पर अचर राशियां कांस्टेंट है, क्या x जो दोस्तों जो हमारे यहां पे दे रखा है, जहां मैं लिख भी दे रहा हूं, जहां x जो है चर राशि है, चर राशि, और a कामा b कामा c ये है अचर राशि, अचर राशियां, ठीक है? तो दोस्तों द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म यानी मानक रूप
इस रूप में होती क्वेश्चन होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। जब भी आपको फैक्टर करना है तो आपको सब इक्वेशन को इसी रूप में बनाना होगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, मतलब पहले x की दो घात हो, फिर x की एक घात हो, और फिर x की कोई घात ना हो। भाई यहां पे कोई घात नहीं, x की पावर 0, और x की पावर 0 कौन कितना होता है 1। मैंने ये प्रूव वीडियो भी बनाया इसके लिए, क्या x की पावर 0, x की पावर 0 बराबर 1 कैसे होता है, किसी भी चर की पावर जीरो है तो वन वो कैसे हो जाता है, इस पे मैंने दोस्तों वीडियो भी बनाया छोटा सा, आपको नहीं पता हो तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा, ठीक है। चलिए इतनी बात समझ पाए दोस्तों, नहीं समझ पाए आप दोस्तों ध्यान से देखिए, जो हमारे पास इक्वेशन दे रखी क्या एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6, बहुत ध्यान से देखिएगा, एक फैक्टर यदि आप सीख गए, क्या एक फैक्टर यदि आपने इसको अच्छे से सीख लिया तो फिर किसी भी टाइप का फैक्टर होगा आप कर लेंगे, इसलिए बहुत ध्यान से देखिएगा, एक ही फैक्टर में आप पूरे हर टाइप के जिसमें टाइप के इस टाइप के प्रश्न जो मिलेंगे फटाफट कर लेंगे। आप देखिए क्या इस फॉर्म का है, हाँ देखिए क्या x की मैक्सिमम पावर यहां 2, पहले x स्क्वायर तो x स्क्वायर है, यहां कितना x है फिर x है, यहां कितना c मतलब कांस्टेंट तो कांस्टेंट है कि नहीं, तो इसी फॉर्म का है तो ठीक है, इससे मिलान करना होगा तभी सॉल्व होगा, यदि नहीं इस फॉर्म में होगा इस तरीके से नहीं लिखा होगा तो उस इक्वेशन को हम लिखेंगे भी, कुछ प्रश्न ऐसे भी आज की क्लास में कराऊंगे दोस्तों, ध्यान समझिए। अब दोस्तों करना क्या होता है, जब भी हमें दोस्तों इसके गुणनखंड करने के लिए कहे फैक्टर कहे, तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा आप हमेशा ऑलवेज a इंटू सी करेंगे, क्या करेंगे a इंटू सी करेंगे, ध्यान से देखिए क्या करेंगे a इंटू सी, तो दोस्तों a यहां कितना है, सी कितना है यहां पर दोस्तों, ये 6 है, देखिए क्या सी कितना यहां पर 6 है, और दोस्तों ए क्या है एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट, इसलिए मैंने पहले आपको गुणांक सिखाए, क्या यहां एक्स स्क्वायर का यदि आपसे गुणांक पूछे कोफिशियंट पूछेंगे तो कितना है ए, यहां एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना आप जानते होंगे, मैंने आपको सिखाया कितना 1 होगा कि नहीं होगा, यानी कि 6 की मल्टीप्लाई यदि 1 से करेंगे तो कितना आएगा 6 ही तो आएगा, कितना आया दोस्तों हमारे पास 6 आया जाके, ये आपको हर बार करना स्टार्टिंग प्रारंभ दोस्तों आपको यहीं से करना, क्या करना है इसकी मल्टीप्लाई इससे करना, किसके इसकी मल्टीप्लाई सी की मल्टीप्लाई ए से करनी, तो ए इंटू सी कितना आएगा 6 आ गया, मतलब क्यों, क्योंकि ए के साथ दोस्तों कितना है 1 है और सी के साथ दोस्तों कितना 6, तो 1 इंटू 6 बराबर 6 ही तो आएगा, जैसे मैंने वहां लिख दिया, इतना काम कर लेंगे दोस्तों। उसके बाद दोस्तों क्या करना ध्यान से देखिएगा, उसके बाद आपको जो 6 आया है इसको लिखना है, मल्टीप्लाई करने के बाद दोस्तों जो आपके पास 6 आया इसको लिखना है अलग से और बराबर लगाना है और फटाफट उसके आगे तुरंत एक मल्टीप्लाई का साइन लगा लेना, क्या जो आपने क्या a इंटू सी किया जो 6 आया जाके उसको लिखना है, उसके बाद दोस्तों a इंटू सी करें या c इंटू a करें बात एक ही है, ठीक है a इंटू सी भी कर सकते हैं या दोस्तों c इंटू a बात एक, घोड़े में किसी को किधर लिखे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो C दोस्तों कितना हमारा C कितना 6 इंटू ए कितना 1, तब भी दोस्तों आपका 6 ही आएगा, बात एक ही है। इतना प्रोसेस करने के बाद दोस्तों क्या ये प्रोसेस पहला स्टेप दोस्तों है गुणनखंड करने का, पहला स्टेप दोस्तों हमारा ये है, ठीक। उसके बाद दोस्तों दूसरे स्टेप में चलेंगे, क्या ध्यान से देखते रहिएगा सारे स्टेप को। उसके बाद दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, जो यहां पे गुणा करने में c इंटू ए आए उसको यहां पर लिखना है, फिर बराबर लगाना है, फिर गुणे का साइन लगा लेना है, फिर उसके बाद उसको ध्यान से देखिएगा, उसके बाद x का कोफिशियंट देखना है, तो x का कोफिशियंट माइनस का 5 है, लेकिन यहां चिन्ह से मतलब नहीं, फैक्टर करने में गुणांक तो देखेंगे लेकिन चिन्ह क्या है माइनस है प्लस उससे हमारा कोई लेना देना नहीं, सिर्फ उसका गुणांक मतलब क्या जो माइनस का 5 है माइनस को छोड़कर सिर्फ 5 लिख लेंगे, उसका आंकिक मान लिखेंगे, ठीक है। तो कितना हो गया इसका 5, x का गुणा कितना 5। अब दोस्तों 6 के पहले साइन काहे का है प्लस का है, 6 के पहले साइन काहे का प्लस का, तो यहां पे प्लस लगा लेंगे, कुछ समझे, बस जो कुछ खेल है स्टेप सेकंड में ही है, एक बार पुनः समझिए। जब भी आपको फैक्टर यदि बिल्कुल नहीं आते होंगे तो मुझे उम्मीद है कि आज की क्लास आप देखेंगे तो बहुत अच्छे से आपको फैक्टर आने लगेंगे। क्या किया हमने जहां समझे, सबसे पहले 6 लिखा, ये कहां से आया c इंटू ए किया तो 6 आया जाके, उसके बाद 6 लिखने के बाद बराबर लगाया इंटू इंटू लगा लिया, इसका भी मतलब भी समझाया क्यों किया हमने इंटू लगा लिया। उसके बाद दोस्तों क्या x का गुणांक देखा माइनस का 5 है लेकिन चिन्ह से हमारा मतलब नहीं इसलिए खाली 5 लिख लिया। उसके बाद क्या करना है 6 का आपको देखना साइन क्या है,
छह के पहले साइन का है क्या लगा, प्लस का है। यदि यहां प्लस लगा होगा तो यहां प्लस लगाएंगे, और यदि यहां पे माइनस लगा होगा तो यहां माइनस लगाएंगे। अब दोस्तों, अब जो छह आया था, सी इंटू ए आया था, उसके दोस्तों यदि हम गुणा करें यहां पर से, तो दोस्तों छह आए, और उन्हीं अंकों को यदि हम जोड़े तो पांच आए। क्या करना है ध्यान समझिए, क्या सिक्स के ऐसे दो फैक्टर ढूंढने हैं, छह के ऐसे हमें दो गुणनखंड ढूंढने हैं दोस्तों। यदि हम गुणा करें तो दोस्तों हमारे कितना है, छह, और जोड़े तो पांच आए। तो क्या तीन दूनी छह, ध्यान समझिएगा, यदि हम तीन की मल्टीप्लाई दो से करेंगे तो तीन दूनी छह मिल जाएगा, और तीन प्लस दो करेंगे तो पांच मिल जाएगा। बस शर्त यही है कि जब गुणा किया जाए और जोड़ा जाए तो अंक नहीं बदलने चाहिए, जो हमने ब्लैक से लिखे वही आने चाहिए। बस दोस्तों यदि इतना आपने सीख लिया तो बस क्वेश्चन हो गया। मान के चलिए, देखिए कैसे दोस्तों, एक्स स्क्वायर लिख लिया, उसके बाद माइनस जो 5 है उसके सामने 3 प्लस 2 लिख सकते कि नहीं, तो ये माइनस था, माइनस लगा लिया, कितना 3 प्लस 2 एक्स प्लस 6। ठीक, अब इसको सॉल्व करिए, इधर का काम खत्म हमारा, ये काम खत्म। अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट को ओपन कर लीजिए, एक्स स्क्वायर ये माइनस यहां प्लस, तो माइनस प्लस दोस्तों, माइनस प्लस माइनस, और थ्री की मल्टीप्लाई एक्स से करेंगे तो 3x हो गया। ठीक है, और माइनस प्लस माइनस 2x, ये तो मैंने आपको पहले से ही सिखाया रखा है, ये 6 आ गया। बस अब दोस्तों ध्यान से देखिए, अब इधर के दो टर्मों में और इधर के दो टर्मों में आपको कॉमन लेना है, बस यही प्रोसेस होगा हर बार यदि इस टाइप के फैक्टर करने हैं। तो इधर के दो टर्म में और इधर के दो टर्म में कॉमन लीजिए, देखिए तो इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है दोस्तों, देखिए सिर्फ x कॉमन दिख रहा है ना, दोनों में क्या है x, तो दोस्तों x कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा, जब एक x निकल गया तो एक ही x तो बचेगा, माइनस का यहां से x कॉमन होगा कितना हो जाएगा 3, कॉमन लेते तो मैंने आपको सिखाया, यहां से देखिए दोस्तों क्या कॉमन मिलेगा 2, वो भी क्या आएगा माइनस का। ठीक है, तो माइनस का 2 कॉमन लेंगे तो x बचेगा, और माइनस माइनस दोस्तों क्या होता है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा कितना 3, 2 3 6, भाई कॉमन लेने का मतलब होता है भाग करना। अब दोस्तों ध्यान से देखिए पूरे को, नीचे वाले टर्म को, क्या यहां x माइनस 3 है, यहां भी x माइनस 3, तो पुनः दोस्तों x माइनस 3 हमारा कॉमन हो जाएगा, क्या दोबारा x माइनस 3 दोस्तों हमारा कॉमन हो जाएगा, तो क्या आएगा x माइनस 3 और x माइनस 2, ये दोस्तों हमारे फैक्टर आ चुके हैं। इस तरीके से दोस्तों गुणनखंड करते हैं। तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप अब इस टाइप के प्रश्न मिलेंगे तो फैक्टर कर लेंगे। मैं एक प्रश्न ऐसा और करा रहा हूं, यदि अभी भी आपके प्रश्न मन में कोई डाउट है तो इसको अच्छे से क्लियर कर पाए। ठीक है, चलिए इसको रख करूं, ध्यान से देखिएगा अगला प्रश्न दोस्तों। क्वेश्चन नंबर दोस्तों है सेकंड, आपसे कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स और माइनस 6 के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। क्या एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस का 6 के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। दोस्तों ध्यान से देखिए कैसे करेंगे, इसको आप करें, चलिए वही प्रोसेस दोस्तों पुनः करना है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों क्या करना है, पहले इसको नोट कर लीजिए, क्या एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस का 6, इसको नोट कर लिया। ठीक दोस्तों, वही प्रोसेस इस साइड में दोस्तों करते हैं, यहां पर क्या करना है, यहां देखना है क्या ये हमारा दोस्तों c है, तो c इंटू ए, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं जो मैं इधर लिख रहा हूं, जब आप सीख जाएंगे तो मन में सब कर लेंगे, तो c इंटू ए कितना, c के सामने कितना 6 है, चिन्ह से यहां मतलब नहीं दोस्तों, और इसका कितना 1, कितना 1, तो कितना 6 आ गया, देखे तो c इंटू ए कितना दोस्तों हमारा 6 आ गया, ये पहला स्टेप है। ठीक, अब जो 6 आएगा उसको हमने लिख लिया, बराबर लगा लिया, फटाक से मल्टीप्लाई लगा लिया, उसके बाद x का गुणांक देखना है। अब दोस्तों यहां पे x का गुणांक कितना हमारा, यहां पे कितना माइनस 1, गुणांक मतलब कोफिशियंट है, तो आप पहले सीख चुके हैं, तो x का गुणांक कितना माइनस 1, लेकिन मैंने कहा था चिन्ह से मतलब नहीं, सिर्फ क्या लिखेंगे उसका मान लिखेंगे तो 1 हो गया। अब यहां पे देखिए 6 के पहले का साइन काहे का साइन है, 6 के पहले काहे का चिन्ह है दोस्तों, तो माइनस का, इसलिए दोस्तों यहां पे लगा लेंगे माइनस, पहले यहां पे क्या था प्लस था इसलिए प्लस लगाया था। अब दोस्तों फिर से वही कहानी, क्या करेंगे, अब 6 के ऐसे गुणनखंड करें, यदि गुणा करें तो 6 आए और घटाएं तो 1 आए। क्या 6 के ऐसे गुणनखंड करने हैं, यदि उन अंकों की गुणा की जाए तो 6 आए,
और उन अंकों को यदि क्या घटाया जाए तो एक आ जाए। दोस्तों कौन अंक होंगे वो, तीन दूनी छः, तो ये तीन हो गया, ये दो हो गया, और तीन में से दो जाएगा कितना बचेगा, एक बचेगा, ठीक है। तो यहां पे क्या लिखेंगे, तीन माइनस दो एक, यहां एक जो है उसके सामने क्या लिखेंगे, तीन माइनस दो। चलिए सॉल्व कर लेते फटाफट, बस हो गया। एक्स स्क्वायर माइनस इसके साथ कितना, थ्री माइनस टू, अब थ्री माइनस टू करेंगे वन ही तो रहेगा, बात खत्म। एक्स इस स्टेप को यदि सॉल्व करेंगे तो यही स्टेप आएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर थ्री माइनस टू वन, वन का कोई अस्तित्व नहीं, तो माइनस का एक्स माइनस का सिक्स वही तो है। बस ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस कितना, थ्री इंटू एक्स की मल्टीप्लाई करेंगे तो थ्री एक्स हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस टू एक्स माइनस का सिक्स, ठीक है। अब कॉमन ले लीजिए किसमें, इसमें और इसमें, इन दो टर्मों में, है कि नहीं। दोस्तों ध्यान से देखिए क्या कॉमन मिलेगा, एक्स तो x माइनस थ्री हो गया, पर x कॉमन लिया तो यहाँ x स्क्वायर था तो एक x कॉमन होगा तो एक ही x तो बचेगा, यहाँ x कॉमन आ चुका बाहर तो माइनस का थ्री बचा, इनमें तो दोस्तों क्या कॉमन मिलेगा, प्लस का टू, कितना x माइनस का थ्री, भाई x टू कॉमन लिया तो x बचा, दो तीन छः, दो तीन छः। अब दोस्तों ध्यान से देखिए, जब भी गुणनखंड कर रहे होंगे तो ये दो ब्रैकेट यहाँ पे जो दोनों ब्रैकेट आते हैं वो हमेशा ऑलवेज सेम आएंगे, क्या ये ब्रैकेट दोनों जो इस टाइप के ब्रैकेट आ रहे हैं हमेशा जैसा भी कैसा भी गुणनखंड होगा दो ब्रैकेट दोस्तों सेम आएंगे, इस टाइप के गुणनखंड होंगे। और उसके बाद दोस्तों ये दो ब्रैकेट सेम आएंगे, यदि सेम नहीं आ रहे हैं तो यानी कि आपने ऊपर कहीं ना कहीं मिस्टेक की, कहीं ना कहीं कोई ना कोई दिक्कत हुई है, समझ पा रहे हो, क्लियर समझ पा रहे हो। इसीलिए दोस्तों क्या करें, यदि सेम नहीं आएंगे तो ऊपर आप चेक करेंगे, यहां सेम आ गए अब इन दोनों को फिर से कॉमन ले लेते हैं। तो दोस्तों ध्यान से देखिए, क्या एक्स माइनस थ्री कॉमन हो जाएगा, इसको कॉमन लिया तो जब ये कॉमन हो गया इससे इसको भाग करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, खाली एक्स ही तो बचेगा ब्रैकेट में, ये भी कॉमन बाहर आ गया तो क्या बचेगा, प्लस का टू हो गया दोस्तों, आंसर कर लेंगे ना दोस्तों। चलिए नोट करिए फटाफट, तो दोस्तों चाहे भले मैंने इतना समय लिया तो समझाने के लिए, यदि आपने अच्छे से समझा होगा तो आप सीख जरूर चुके होंगे, ठीक है। चलिए अगला दोस्तों प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या तीन, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर तीन, क्या कहता है, ठीक है। एक प्रश्न दोस्तों मैं आपको और करा दूं, 64x स्क्वायर प्लस का 16x प्लस 1 के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, इसको रफ करो। चलिए दोस्तों यदि वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में इसे शेयर करते रहें, ध्यान से दोस्तों देखिए क्या दे रखा है, 64x² प्लस का 16x प्लस का 1, ठीक दोस्तों वही काम करना है। अब इसको मैंने यहां लिख दिया, अब चाहे तो लिखे ना लिखे, मन में भी कर सकते हैं आप, पहला स्टेप में क्या करना, सी इंटू ए, तो सी दोस्तों कहां पर है, ये 1 हो गया और ए कितना 64, तो सी यानी कि 1 की मल्टीप्लाई 64 से करेंगे तो 64 ही आएगा, जैसे यहां लिखना चाहे लिख सकते हैं, क्या सी इंटू ए यानी कि 1 इंटू 64 कितना है 64, तो यहां कितना हो जाएगा 64, बट और फटाफट 64 बराबर लगा यहां पे मल्टीप्लाई का साइन हो गया, बस उसके बाद क्या देखना दोस्तों, एक्स का गुणांक, तो एक्स का गुणांक दोस्तों कितना 16 लिख लिया बराबर, अब 1 के पहले साइन जाएगा प्लस का, सी के पहले का साइन देखना है, सी के पहले का साइन से देखना क्या, प्लस का प्लस लगा लीजिए, बस सिंपल। अब क्या करना, वही काम, अब 64 के दोस्तों जो मल्टीप्लाई जहां पे मल्टीप्लाई लगा उसके सामने जो अंक आया कौन सा 64 है, अब 64 के दोस्तों हमें ऐसे गुणनखंड करने हैं कि उन अंकों की दोस्तों गुणा करें तो 64 आए, जोड़े तो आए 16, तो 8 28 64, ये तो आप निकाल लेंगे ना, 8 28 64, 8 × 8 और 8 + 8। अच्छा यदि हो सकता आपको फैक्टर ढूंढने नहीं मिलते हैं तब क्या करेंगे, तो 64 के दोस्तों जैसे मैंने आपको लासा निकालना सिखाया इस तरीके से निकालेंगे, 200 काट लीजिए कितना आया, 2 × 3 = 6, 2 × 2 = 4, फिर 2 से 2 = 1, 2 × 6 = 12, 2 × 8 = 16, ठीक 2 × 4 = 8, 2 × 2 = 4, 2 × 1 = 2, कब तक काट लें, जब तक एक ना आ जाए। अब इसमें आपको एडजस्ट करना पड़ेगा,
कि ऐसे इसमें ऐसे गुणनखंडों की आपस में मल्टीप्लाई करनी होगी कि यदि इनकी मल्टीप्लाई करें तो 64 आ जाए, उन्हीं अंकों को जोड़े तो हमारा क्या आ जाए 16 आ जाए। तो दोस्तों कहते हैं 2 दूना 4 दूना 8 दूनी 2 दूना 4 दूना 8 हो गया। फिर दोस्तों देखिए ध्यान से देखिए क्या 2 दूना 4 2 दूना 4 दूनी 8 तो 8 + 8 16 हो गए और 8 8 64 हो गया। तो इस तरीके से भी दोस्तों क्या यदि आपको फैक्टर ढूंढने नहीं मिल रहे हैं तो दोस्तों इस तरीके से लासा निकाल कर अपने मन से एडजस्ट करेंगे उनको। और वैसे ज्यादातर आपके भी जो सिलेबस में आएंगे जो पेपर में आता है दोस्तों पहले तो ठीक है बहुत रियर केस में इस टाइप के प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाएंगे, बहुत रियर केस में। यदि कोई ऐसे ही बैठा होगा तो मना के दे देगा प्रश्न इस टाइप के प्रश्न, वैसे तो बहुत रियर केस में, लेकिन मुझे लग रहा था कि हो सकता पूछ सकते हैं इसीलिए मैंने ये प्रश्न करा दिए। और यदि पूछ लेगा तो दोस्तों 2 नंबर में प्रश्न आएगा आपके पेपर में तो फ्री के 2 नंबर चले जाएंगे, इसलिए दोस्तों मैंने इस प्रश्न को इस टाइप के प्रश्न करा दिए। और बहुत कुछ कठिन नहीं है, 4-5 लाइनें लिखनी है फटाफट, तो कुछ विशेष कठिन भी नहीं है, है कि नहीं। चलिए तो दोस्तों आप सॉल्व कर लीजिए, वही पुराना नियम क्या होगा 64x² + 16 के साथ में कितना 8 + 8 और ये x है, x लिख लिया प्लस में, इस x को लिखना है भाई। आप ध्यान से देखे बस ब्रैकेट ओपन कर ले 64x², अब प्लस प्लस या तो प्लस 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 ही होता, 8 की मल्टीप्लाई x करेंगे तो 8x हो जाएगा, प्लस 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 ही होता 8x और प्लस 1 कॉमन ले लीजिए फटाफट, इसमें और इसमें कॉमन हो जाएगा ना, तो क्या कॉमन मिलेगा दोस्तों यहां से देखिए 8x कॉमन हो जाएगा, क्या कॉमन होगा 8x, तो 8 8 64 और 1 कॉमन आ गया, 1x कॉमन आ चुका तो एक ही x तो बचेगा, और यहां पे दोस्तों 8x आपने पूरा कॉमन ले लिया तो प्लस का 1। अब दोस्तों यहां देखिए क्या प्लस का 1 कॉमन मिलेगा आपको, यहां वो कॉमन लेना, यहां तो खैर प्लस का है तो हमेशा प्लस का ही कॉमन आएगा, जब पूरे पूरा जो समीकरण आपको प्लस में ही दे रखा तो हमेशा उसमें प्लस में ही कॉमन आएगा, उसमें कुछ सोचना नहीं। यदि प्लस माइनस में दे रखा जैसे इसके पहले मैंने प्रश्न कराया तो आपको यहां पे कॉमन उस अंक को लेना, उस चिन्ह के साथ निकल लेना है कि ये ब्रैकेट सेम हो जाए। मैंने बताया था ये ब्रैकेट और जो इधर ब्रैकेट आएगा ये हमेशा सेम आएगा, इसलिए यहां पे ऐसा अंक कॉमन लेना है चिन्ह के साथ कि ये दोनों ब्रैकेट सेम हो जाए, तो इसलिए 1 कॉमन ले ले क्योंकि 8x + 1 में कोई कॉमन ही नहीं दिखेगा, लेकिन 1 तो हमेशा सब में कॉमन होता है कि नहीं, इसलिए क्या 8x + 1 ये ब्रैकेट सेम हो गए तो क्या मिलेगा दोस्तों हमारे पास 8x + 1 कॉमन ले लीजिए ये, और पुनः क्या बचा जाएगा जब ये कॉमन होगा तो 8x बचा और प्लस 1। कॉमन का मतलब होता है भाग करना, जैसे मैंने क्या किया यहां से 8x कॉमन लिया, यहां से क्या लिया जैसे ये 8x + 1 कॉमन ले लिया तो ये हमारे पास टर्म था इतना वाला, तो क्या लिखते 8x 1 और जो मैंने कॉमन क्या लिया था 8x + 1 तो 8x + 1 से इसको भाग करेंगे तो देखिए ये कट जाएगा, क्या बचेगा 8x ही तो बचा, और इधर लिया तो इसको भी भाग करेंगे 8x + 1 से तो 8x + 1 कैंसिल हो जाएगा, 1 ही तो बचेगा इसलिए 1 लिख दिया। कॉमन लेने का मतलब समझ रहे हैं, मैंने सिखाया भी है तो आप सही से देख रहे हो समझ पा भी रहे होंगे। जैसे यहां पे दोस्तों मैंने कॉमन लिया था कहां पर, यहां पे इसको भी समझा दे रहा हूं, जैसे यहां के कॉमन लिया था कितना 8x कॉमन लिया था, तो जो 8x हमने यहां पे कॉमन लिया था दोस्तों तो क्या 64x² में से हमें कॉमन क्या लेना था 8x निकाल लिया, तो दोस्तों 8 8 8 64 और x से x² गया तो क्या बचेगा x और ये 8x ही तो बचा था, यहां पे 8x हमने कॉमन लिया तो 8x को 8x से भाग करेंगे तो 1/1 यानी कि 1 ही तो बचेगा, तो वही बचा। कॉमन लेने का मतलब होता है उसको भाग करते हैं, जो कॉमन लेते हैं जिससे कॉमन लेते हैं उसको उससे भाग करते हैं या उसमें से निकाल लेते हैं, भाग देके निकालने का मतलब क्या भाग करना। चलिए नोट कर लीजिए फटाफट, ठीक है। अब दोस्तों मैं इस बार ये नहीं लिख रहा हूं क्या कॉमन लेना है, मतलब क्या कॉमन लेना है? मतलब कहने का इस साइड का जो मैं लिखता हूं वो नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट करूंगा इस बार, ध्यान से देखिएगा जिससे आप भी कर पाए। वो तो मैंने इसलिए समझाया कि यदि बिल्कुल आपको नहीं आता तो आप आसानी से कर पाए। जैसे आपसे प्रश्न कह रहा है 12x² - 7x + 1, एक प्रश्न दोस्तों और कर रहा हूं फिर आपको लिए होमवर्क दूंगा, फिर उसके आगे और कुछ हल्का सा पैटर्न इसमें और चेंज करूंगा, ठीक है। ध्यान से देखिए क्या कह रहा है 12x² - 7x + 1 इसकी मल्टीप्लाई क्या करते हैं लास्ट वाले की मल्टीप्लाई पहले वाले से कर देते हैं, तो कितना 1 की मल्टीप्लाई 12 से हो गया 12 गया। अब दिमाग में सोचना 12 गया, अब 12 गया तो यानी कि 12 के ऐसे फैक्टर करने हैं क्या करें जोड़े तो 7 आ जाए,
क्या 12 के ऐसे फैक्टर करने की जोड़े तो 7 आ जाए। एक बार और चलिए बता देता हूं, क्या 1 की मल्टीप्लाई 12 से किया तो 12 आ गया, 12 लिख लिया, फटाफट मल्टीप्लाई का साइन लगा लिया, फिर देखिए x का गुणा कितना 7, माइनस का 7 लिख के लिख से मतलब नहीं, इसलिए 7 लिख लिया, और 1 के पहले का आएगा साइन प्लस का, प्लस लगा दिया। अब 4 3 12 और 4 प्लस 3 7 हो गए, बस सिंपल है, तो इसके लिखने की जरूरत ही नहीं है। सेवन के साथ सेवन प्लस फोर प्लस थ्री लिख दिया, साफ कर लीजिए दोस्तों, फोर एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस कितना फोर एक्स और माइनस प्लस माइनस थ्री एक्स और प्लस वन कॉमन ले लीजिए इस दोनों में, तो दोस्तों कितना कॉमन लेगा, यहां देखिए 12 है यहां 4 है तो 4 कॉमन मिल जाएगा, और यहां कितना एक्स, 4x का मान होगा, इससे इसको भाग करें जो 4 3 12 इससे इसको भाग करेंगे तो 3x आएगा, और फिर ये कॉमन ले लिया तो इससे इसको भाग करेंगे 4x 4x कैंसिल हो जाएगा, 1 ही बचेगा तो माइनस का 1। अब दोस्तों यहां देखिए कॉमन क्या लेना है, अब हमको ये ब्रैकेट बराबर करना है, तो ये दोस्तों यहां से क्या इन दोनों में कॉमन तो कुछ है नहीं, और जब कुछ कॉमन नहीं तो 1 कॉमन होता ही होता है, इसलिए दोस्तों 1 कॉमन लेंगे। तो चिन्ह दोस्तों कैसा होगा, क्या किया इसमें से एक कॉमन मिलेगा, क्योंकि यहां भी कुछ नहीं और यहां भी कुछ नहीं, कहने कुछ मतलब तो क्या कॉमन नहीं भाई, इन दोनों पदों में कोई कॉमन नहीं दिख रहा, इसलिए एक कॉमन लेंगे। जिस चिन्ह कैसा होगा वो दोस्तों इससे इस ब्रैकेट से डिपेंड करेगा, क्यों यहां हमें क्या लाना है बीच में माइनस, और यहां हमारे पास क्या है प्लस, क्या यहां लाना क्या है माइनस, क्योंकि हमको यहां भी कॉमन लेना होता है पहले से आपको पता है, तो दोस्तों यहां हमें क्या यहां तो माइनस है यहां प्लस है, इसलिए दोस्तों क्या माइनस का 1 कॉमन लेंगे, विशेष का ध्यान दीजिएगा, तो कितना होगा 3x और माइनस प्लस क्या माइनस, इसीलिए दोस्तों इस तरीके से कॉमन लेते हैं, समझ गए दोस्तों क्या। अब देखिए पुनः कॉमन क्या मिलेगा 3x माइनस 1 कॉमन हो गया, तो 3x माइनस 1 और यहां क्या होगा ये कॉमन निकल गया यहां से, तो क्या जाएगा 4x माइनस 1, ये दोस्तों हमारा आंसर आ चुका। तो दोस्तों इस तरीके से हम इन प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। चलिए तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे। अगला दोस्तों प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 5। होमवर्क के लिए दोस्तों यह प्रश्न है, फोर एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस 1 के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहां पर 4x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस 1, यहां 4x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस 1 लिखा है, ध्यान समझिएगा यहां ये तो लिखा है, लेकिन यहां x के साथ पर y स्क्वायर 4y स्क्वायर प्लस का 4y प्लस का 1 हो सकता है, यहां x के साथ पर p भी हो सकता है 4p स्क्वायर प्लस का 4p प्लस 1, तो जो यहां p लिखा होगा तो x के साथ में pp आने लगेगा, और जो यहां y लिखा होगा तो x के साथ पर yy आने लगेगा, समझ गए ना दोस्तों। चलिए लगा लीजिए फटाफट, इसको नोट कर लीजिए, इसको इस प्रश्न को दोस्तों घर से सॉल्व करना है, या प्रश्न होमवर्क के लिए आपके लिए है। अगला दोस्तों प्रश्न देखते हैं, कह रहा है प्रश्न संख्या 6, ये भी दोस्तों होमवर्क के लिए है, नाइन एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस 1 के गुणनखंड कीजिए, के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहां भी प्रश्न होमवर्क का है, होमवर्क से लगा के लाएंगे। प्रश्न संख्या 7 दोस्तों देखते हैं, ध्यान से देखिएगा, कह रहा है वन माइनस का a माइनस का 72 a स्क्वायर, इस बार दोस्तों क्या x के साथ में a यूज किया गया है, क्या माइनस का 72 a स्क्वायर, ठीक है समझिए दोस्तों, इसको रखो
चलिए यहां पे कोई कुछ भी यूज कर सकता है, ठीक है, ए बी सी डी। अब दोस्तों यहां से देखिए, वन माइनस का ए माइनस का 72 ए स्क्वायर है, ठीक है, मैंने अभी इस क्वेश्चन में मिटाला है, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी इस फॉर्म में होना चाहिए। बाई चांस यहां एक्स स्थान पर ए दे रखा है, क्या ए दे रखा है दोस्तों, तो हम चाहे जब इसको सॉल्व करेंगे तो ए के रूप में ही सॉल्व करेंगे, लेकिन आपको समझने में इसमें थोड़ी सी समस्या आएगी क्योंकि यहां भी ए है और यहां भी ए, तो इसलिए मैं ए के स्थान पर एक्स कर रहा हूं। यहां एक्स और यहां एक्स स्क्वायर हो गया, समझ गए दोस्तों। क्या आप ए से भी सॉल्व करेंगे, लेकिन मैं समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूं कि जिससे आपको एक्स एक्स मैच कर जाए। दोस्तों आपको ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी बनाना है, तो दोस्तों क्या पहले एक्स स्क्वायर होना चाहिए इनके लिए, हाँ बाद में, इसलिए दोस्तों क्या पहले एक्स स्क्वायर, तो माइनस का 72 एक्स स्क्वायर और माइनस का एक्स और यहां वन है प्लस का, इसलिए प्लस का वन लिख लिया, ध्यान समझिए। अब दोस्तों इसमें से देखिए क्या करेगा, आपको यहां पर माइनस है, आपके पास यहां माइनस है, इसलिए दोस्तों माइनस का मान ले लेंगे, तो माइनस का मान लेंगे क्या बचेगा 72 एक्स स्क्वायर, ठीक है, और ये माइनस का मान हुआ तो माइनस यहां पे क्या माइनस माइनस क्या प्लस एक्स हो जाएगा और कितना माइनस का मान, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए दोस्तों, तो ध्यान से देखिएगा, बस वही पुराना तरीका आप सॉल्व कर लेंगे ना, माइनस क्या अब 72 के ऐसे भाई इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 72 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि गुणा करें तो 72 आए, और क्या करने घटाएं तो 1 आए, घटाएं तो 1 आए, ठीक है, तो 8 नवा 72 नौ 72, तो यानी कि 72 एक्स स्क्वायर प्लस का 9 माइनस का 8 ब्रैकेट में एक्स माइनस 1, सॉल्व कर लीजिए फटाफट, तो माइनस 72 एक्स स्क्वायर प्लस प्लस कितना प्लस का 9x प्लस माइनस माइनस का 8x और माइनस का 1 हो गया, तो दोस्तों माइनस देखिए 9 कॉमन ले लेंगे तो कितना आ जाएगा 9 8 72, अच्छा 9x कॉमन मिलेगा ना, x भी तो है, तो 9x कॉमन ले लेंगे तो इससे डिवाइड करेंगे तो 9 8 72 एक्स हो जाएगा, और इससे इसके कट डिवाइड करेंगे तो 1 ही तो आएगा भाई, 9x कॉमन होगा तो 1 बचेगा प्लस का। अब दोस्तों यहां क्या माइनस का 1 कॉमन ले लेंगे तो कितना 8x प्लस का 1, तो दोस्तों ध्यान से देखिए क्या आया, देखिए ये माइनस बाहर चलता रहेगा तो 8x प्लस 1 पुनः कॉमन हो गया, तो 8x प्लस 1 हो गया और क्या ये 9x माइनस 1 हो गया। आप इस तरीके से भी ये भी आपका आंसर आ चुका है, या चाहे तो माइनस की मल्टीप्लाई किसी भी ब्रैकेट में आप कर सकते हैं, क्या चाहे तो माइनस की मल्टीप्लाई किसी भी ब्रैकेट में, खासकर इस ब्रैकेट में कर देंगे तो थोड़ा और आसान हो जाएगा, जिस ब्रैकेट में माइनस, या तो आप यही छोड़ दीजिए आपका फाइनल आंसर आ चुका, या आप चाहते हैं कि सर ये माइनस बाहर ना लगे बाहर तो हम क्या करें, तो दोस्तों इस माइनस की मल्टीप्लाई जिस ब्रैकेट में माइनस उससे कर दीजिए, तो 8x प्लस 1 तो ऐसे ही रहा, ठीक है, अथवा मैं कह रहा हूं कोई जरूरी नहीं इसको करना है, और अगले ब्रैकेट में इसकी मल्टीप्लाई तो माइनस का 9x हो जाएगा और प्लस का 1, तो 1 माइनस का 9x, ये दोस्तों ये भी आंसर आप ले सकते हैं, दोनों आंसर ले सकते हैं आप, ठीक है, क्या इसकी मल्टीप्लाई माइनस का 9x माइनस का 1 इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस माइनस का 9x हो गया और माइनस माइनस प्लस का 1 हो गया, इसको क्या प्लस का 1 पहले ले सकते हैं माइनस का 9x बाद में, वही तो लिखा, ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों भी ले सकते हैं। चलिए अगला टाइप दोस्तों देखते हैं, तो मुझे उम्मीद है आप इस टाइप के प्रश्न आप कर लेंगे। अगला टाइप दोस्तों ध्यान से देखिएगा, चलिए अगला टाइप दोस्तों आपसे कह रहा है 81 ए स्क्वायर माइनस का 25 बी स्क्वायर के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा क्या 81 ए स्क्वायर माइनस का 25 बी स्क्वायर है। दोस्तों यहां देखिएगा इस स्लाइड में, चूंकि देखिएगा दोस्तों एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर का, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर दोस्तों क्या होता है a माइनस बी और a प्लस बी, दोस्तों ये फार्मूला होता है, ध्यान से देखिएगा इसी का दोस्तों इसमें यूज होगा। इसको दोस्तों ये ले सकते हैं, देखिए 81 को ले सकते हैं 9 का स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस का 25 को ले सकते हैं 5 का स्क्वायर और b स्क्वायर। अब दोस्तों देखो
यहां भी स्क्वायर, यहां भी स्क्वायर, इसलिए मिला के लिख लेंगे 9a का होल हाफ स्क्वायर माइनस का 5b का होल हाफ स्क्वायर। अब दोस्तों ध्यान से देखिएगा, यहां स्क्वायर, यहां स्क्वायर, यहां स्क्वायर, यहां स्क्वायर, ये दोस्तों स्क्वायर बना है ठीक। क्या यहां स्क्वायर, अब देखिए ए यहां, यहां ए के सामने कितना है, ये पूरा ए दोस्तों हमारा माना जाएगा ये वाला, और ये दोस्तों पूरा हमारा बी माना जाएगा ठीक है। तो ए के हिसाब है दोस्तों कितना 9a, तो क्या a माइनस बी ए प्लस बी, बस हो गया कितना, ए के हिसाब 9a है और b के हिसाब में दोस्तों कितना है 5b, तो a 9a माइनस का 5b और नेक्स्ट ब्रैकेट में दोस्तों क्या हो जाएगा 9a प्लस का 5b, क्योंकि दोस्तों a के हिसाब में कितना 9a और b के हिसाब में कितना 5b, बस आंसर हो गया, कुछ करना पड़ा, चलिए कर लीजिए फटाफट ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या दोस्तों 8 देखते हैं, बहुत आसान प्रश्न दोस्तों, इस टाइप के प्रश्न है, देखिए ध्यान से 8 नंबर क्या कहता है, कह रहा है 25 एक्स स्क्वायर माइनस का 100 वाई स्क्वायर स्क्वायर लिखा दोस्तों, के गुणनखंड कीजिए ठीक है। ये प्रश्न दोस्तों होमवर्क के लिए आपका इसी टाइप से करेंगे। चलिए अगला देखिए 9 नंबर दोस्तों कैसे करेंगे, 9 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है 16 एक्स स्क्वायर माइनस का 1/x² के गुणनखंड ज्ञात कीजिए, के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। दोस्तों ध्यान से देखिए कैसे करेंगे, ये भी दोस्तों सेम इसी प्रोसेस से करेंगे। क्या लिखा है 16x² माइनस का 1/x² दोस्तों, इसको क्या लिख सकते हैं 4x², क्योंकि 4 का स्क्वायर 4 × 4 16 होता है, माइनस का 1/x² दोस्तों, इसको लिख सकते हैं 4x का होल हाफ स्क्वायर, और इसको दोस्तों लिख सकते हैं 1/x का होल हाफ स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा और x का स्क्वायर करेंगे तो x² हो जाएगा, ये फार्मूला बन गया। अब दोस्तों यहां पे ध्यान से देखिएगा, हमारा a क्या हो गया, ये दोस्तों हमारा a हो गया जाके ये वाला, और ये दोस्तों बड़का सा हमारा b बन गया जाके ठीक है। तो a के सामने कितना 4x, b के सामने कितना 1/x, रख दीजिए a माइनस b तो कितना 4x माइनस 1/x और कितना 4x a प्लस b, तो 4x a के सामने 4x, b के सामने कितना 1/x, इसलिए कितना प्लस का 1/x, बस सो सिंपल दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों 10 नंबर क्या कहता है आपसे, ध्यान से देखिएगा 10 नंबर दोस्तों आपसे कहता है 1 माइनस बी माइनस सी का होल हाफ स्क्वायर, कैसे दोस्तों करेंगे, ये भी सेम इसी प्रोसेस से होगा, कैसे दोस्तों 1 माइनस बी माइनस सी का होल हाफ स्क्वायर है ठीक है। अब दोस्तों इसको लिख सकते हैं क्या 1 का स्क्वायर और माइनस का बी माइनस सी का होल हाफ स्क्वायर, और आपको ध्यान से देखिए ये भी फार्मूला ए स्क्वायर, और हर क्वेश्चन में फार्मूला लिखेंगे दोस्तों, ये भी हमारा दोस्तों क्या बन गया जाके ए स्क्वायर। दोस्तों जो मैं बंद कर रहा हूं रेड से लिख रहा हूं, ये आपको लिखना नहीं, समझाने के लिए मैं बना रहा हूं, ये दोस्तों हमारा बड़का सा बी बन गया, बी स्क्वायर है कि नहीं। तो ए के सामने कितना 1 और बी के सामने कितना बी माइनस सी, बस सॉल्व कर लीजिए तो क्या होता फार्मूला ए माइनस बी, तो ए के सामने 1 और बी के सामने माइनस का बी माइनस सी, दूसरे ब्रैकेट में क्या ए प्लस b, तो a के साथ में 1 और कितना प्लस b, तो b माइनस सी, ये हो गया, थोड़ा सॉल्व हो सकता है और कि नहीं, चाहे तो ब्रैकेट ओपन करें या यही आंसर आ चुका है, यदि थोड़ा और सॉल्व करना चाहते हैं तो ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, तो कितना होगा 1, ये 1 माइनस का b और माइनस माइनस प्लस का c, और इधर कितना हो जाएगा 1 प्लस का b माइनस का c, इस तरीके से भी दोस्तों लिख सकते हैं ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए फटाफट, अगला दोस्तों प्रश्न संख्या 11, मुझे उम्मीद है आप इस टाइप के प्रश्न आप कर लेंगे। 100x³ - x के गुणनखंड कीजिए, दोस्तों ध्यान से देखिए कैसे करेंगे, सेम इसी प्रोसेस से नोट कर लीजिए 100x³ - x
दोस्तों यहां से देखिए x कॉमन मिला क्योंकि यहां भी x क्यूब है, यहां x x की मिनिमम पावर होगी वो कॉमन हो जाएगा, तो यहां कितना देगा 100x स्क्वायर और कितना माइनस का 1, पुनः वही पुराना फार्मूला हो गया, x इसको लिख सकते क्या 10 का स्क्वायर और x स्क्वायर माइनस का 1 का स्क्वायर, यानी कि दोस्तों कितना x 10x का होल स्क्वायर लिख सकते कि नहीं माइनस का 1 का स्क्वायर। दोस्तों यहां पे a क्या हो गया हमारा, बना के दिखाएं या तो जरूरत तो है नहीं, चलिए एक बार बता बना दे रहा हूं, ये दोस्तों हमारा कितना होगा, अरे सॉरी सॉरी सॉरी, ये हमारा a बनेगा ना, ये हमारा a हो गया और ये दोस्तों हमारा क्या होगा b हो गया, तो दोस्तों क्या बन गया ये x बाहर चलता रहेगा, यहां कितना a के सामने कितना है 10x और b के सामने कितना 1, तो a माइनस b हो गया और प्लस a a प्लस b, तो a के सामने कितना 10x और b के सामने कितना 1, बस आंसर आ गया। जितने घात का समीकरण होंगे उतने नीचे क्या फैक्टर आएंगे, देखिए 1 2 3 एक दो तीन। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों 12 नंबर, ध्यान से देखिएगा दोस्तों यह होमवर्क के लिए प्रश्न है, 2x माइनस का 32 x की पावर 5, इस प्रश्न को दोस्तों होमवर्क में आप करके लाएंगे ठीक है। और एक दोस्तों और प्रश्न है प्रश्न संख्या 13, 16 माइनस का 9 ए प्लस बी का होल आप स्क्वायर, इस भी प्रश्न को दोस्तों आप घर से करके लाएंगे। तो दोस्तों आज की क्लास जो फैक्टर से संबंधित थी, गुणनखंड से संबंधित थी, कैसी लगी कमेंट बॉक्स में दोस्तों इसका उत्तर जरूर दीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर जरूर करिएगा, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक भी जरूर दोस्तों करिएगा ठीक है। थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।